Subscribe the channel, learn English easily. Like, share, and comment. Past indefinite versus present perfect tense. What is the difference? क्या अंतर है दोनों में? ये गाना बहुत अच्छी तरह बता सकता है. सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई हैं सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता. तो आइए देखते हैं कि इस गाने की मदद से हम दोनों टेंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं. तो आइए इसे लाइन बाय लाइन जानने की कोशिश करते हैं. Here is the simple way to identify past indefinite tense and differentiate with present perfect tense. सो गया ये जहां, सो गया आसमां, या यह जहां सो गया, आसमां सो गया. यहां गया से हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं. दिस वर्ल्ड स्लेप्ट, द स्काई स्लेप्ट, दिस इज द वी टू ऑफ स्लीप एंड दिस इज द वी टू ऑफ स्लीप टू टाइम्स. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो गई हैं सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, या सारी मंजिलें सो गई हैं, रास्ता सो गया है. तो ऑल द डेस्टिनेशंस हैव स्लेप्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री. द रोड्स हैव स्लेप्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री. तो यहाँ पे केवल गया और गई के बाद है का डिफरेंस है, जहाँ आप पहचानेंगे कि अगर केवल गया गई गए रहेगा तो ये पास्ट इनडेफिनिट होगा, और गया और गई के साथ है हैं इत्यादि रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है. तो आइए हम लोग देखते हैं. सो लेट्स सी द डिफरेंस थ्रू आइडेंटिफिकेशन. पास्ट इनडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल या ई ये, ता था ती थी, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, मैं घर गया आई वेंट होम. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल या है ई है ये है, चुका है चुकी है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, वह घर गया है, ही हैज गॉन होम. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टेंसेज. नेवर बी कंफ्यूज्ड. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए केवल या ई ये मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या ई ए के बाद है हैं इत्यादि मिलेंगे. सो बी कॉन्फिडेंट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट इंडेफिनिट इन इंग्लिश सेंटेंसेस. अंग्रेजी के वाक्यों में वी विल फाइंड यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, लास्ट नाइट लास्ट वीक पिछली रात पिछला सप्ताह, प्रीवियस डे पिछले दिन, अगो पहले. सो दीज आर द वर्ड्स विच विल जनरली बी देयर इन पास्ट इनडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश सेंटेंसेस. लेट्स लर्न फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. मैं गया आई वेंट, मैं नहीं गया आई डिड नॉट गो, क्या मैं गया डिड आई गो, मैं क्यों गया वाई डिड आई गो. फॉर्मूलाज आर नियर, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वह गया ही वेंट, वह नहीं गया ही डिड नॉट गो, क्या वह गया डिड ही गो, वह क्यों गया वाई डिड ही गो. वे सोते थे दे स्लेप्ट, वे नहीं सोते थे दे डिड नॉट स्लीप, क्या वे सोते थे डिड दे स्लीप, वे कहां सोते थे वेयर डिड दे स्लीप. लेट्स मेक द सेंटेंसेस लॉन्ग. वाक्यों को लंबा करना सीखें. मैं गया आई वेंट, मैं दिल्ली गया आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली अपने दोस्तों के साथ गया आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स, मैं दिल्ली अपने दोस्तों के साथ पिछले साल गया आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स लास्ट ईयर, मैं दिल्ली अपने दोस्तों के साथ पिछले साल फ्लाइट से गया आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स बाई फ्लाइट लास्ट ईयर. इस तरह से
सेंटेंसेस को आप लंबा कर सकते हैं. यू कैन मेक द सेंटेंसेस लॉन्ग. सी वन मोर सेंटेंस. वह मदद करता था. ही हेल्प्ड. वह मेरी मदद करता था. ही हेल्प्ड मी. वह मेरी मदद हर बार करता था. ही हेल्प्ड मी एवरी टाइम. वह मेरी मदद हर बार मेरी पढ़ाई में करता था. ही हेल्प्ड मी इन स्टडीज एवरी टाइम. वह मेरी मदद हर बार मेरी पढ़ाई में दिन रात करता था. ही हेल्प्ड मी इन स्टडीज एवरी टाइम डे इन अ डे आउट. सो दिस वे यू कैन मेक द सेंटेंसेस लॉन्ग एंड लॉन्गर. नाउ इट इज वेरी हेल्पफुल टू लर्न थ्रू अ स्टोरी एंड दैट इज पास्ट इन डेफिनेट टेंस. लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी. एक किसान था. देयर वॉज अ फार्मर. उसके पास एक मुर्गी थी. ही हैड अ हेन. मुर्गी सोने का अंडा देती थी. द हेन लेड एग्स ऑफ गोल्ड. किसान बड़ा लालची था. द फार्मर वॉज वेरी ग्रीडी. उसने सारे अंडे एक साथ निकालना चाहा. ही वॉन्टेड टू टेक आउट ऑल द एग्स इन वन गो. उसने मुर्गी का पेट काट दिया. He cut the stomach of the hen. लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिला. But he did not get any egg. मुर्गी मर गई. The hen died. किसान उदास हो गया. The farmer became sad. So this way you can also make sentences of story in past indefinite tense. Now let's learn small question and answer. When did you get up in the morning? Tum subah kab uthe? I got up at 6 a.m. in the morning. Main subah 6 baje utha. Did you brush your teeth? Kya tumne brush kiya? Yes, I brushed my teeth. Haan, maine brush kiya. Did you go for the morning walk? Kya tum morning walk par gaye? Yes, I went for the morning walk. Haan, main morning walk par gaya. When did you go for the morning walk? Tum morning walk par kab gaye? I went for the morning walk at 6:15. Main morning walk par 6:15 mein gaya. So this way you can make questions and answers. Now next question is, When did you return? Tum kab laute? I returned at 7 a.m. Main 7 baje lauta. Did you take your bath? Kya tumne snan kiya? Yes, I took my bath. Haan, maine snan kiya. When did you take your bath? Tumne kab snan kiya? I took my bath at 7:30. मैंने 7:30 बजे स्नान किया. और मैंने 7:30 में स्नान किया. The next question is, What did you do after that? उसके बाद तुमने क्या किया? I took my breakfast. मैंने नाश्ता किया. What did you do after that? तुमने उसके बाद क्या किया? या उसके बाद तुमने क्या किया? I went to college. मैं कॉलेज गया. How did you go to college? तुम कॉलेज कैसे गए? I went to college by bus. मैं कॉलेज बस से गया. So these are very simple sentences to learn. How long did you stay in the college? तुम कॉलेज में कितनी देर रहे? I stayed in college for 4 hours. मैं कॉलेज में 4 घंटों तक रहा. Did you study there? क्या तुमने वहां पढ़ाई की? Yeah,
I studied different subjects there. हाँ, मैंने कई विषय पढ़े. When did you return home? तुम घर कब लौटे? I returned home in the evening. मैं घर शाम में लौटा. Okay, now you try this. Okay, मैंने यहां एक पैसेज जैसा लिखा है जिसे आप पहले पढ़कर बनाने का प्रयास करेंगे. At first, pause the video and read the sentences and try to translate them. Okay, now I went to my friend's house yesterday. He was at home. We took tea and talked for some time. After that, we went to play. We returned and studied for some time. My friend gave me a new book. This book was very interesting. I read this book and enjoyed very much. I returned home in the evening. I watched TV for some time and took rest. I took my supper at 10 p.m. and slept. So this way you can make the sentences of your own choice, and you can also state some passages and your previous day routine. Thank you so much for watching. Keep on watching. Comment, like and share. Thanks a lot. Have a good day.